नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। भोपाल से खबर आपको देते हैं, आज अमरकंटक जाएंगे सीएम शिवराज, विश्व कल्याण गजरथ महोत्सव में शामिल होंगे। महावीर जयंती पर खास कार्यक्रम में करेंगे शिरकत, आचार्य विद्यासागर जी महाराज के करेंगे दर्शन, अमरकंटक में स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। तो फिलहाल आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दौरे के बारे में आपको बता रहे, महावीर जयंती पर खास कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, आचार्य विद्यासागर जी महाराज के दर्शन करेंगे, अमरकंटक में स्थानीय कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे सीएम शिवराज। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रही है, आज अमरकंटक जाएंगे सीएम शिवराज, ये जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आई है। अमरकंटक में आज सीएम रहने वाले हैं, जहां पर विश्व कल्याण गजरथ महोत्सव में शामिल होंगे सीएम। महावीर जयंती पर खास कार्यक्रम में करेंगे शिरकत, आचार्य विद्यासागर जी महाराज के दर्शन करेंगे, अमरकंटक में स्थानीय कार्यक्रमों में भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तो आज सीएम का अमरकंटक का दौरा, महावीर जयंती पर खास कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। तो आज अमरकंटक के दौरे पर सीएम रहने वाले हैं, सीएम के कार्यक्रम आज अमरकंटक में रहेंगे। आपको बता दें, अमरकंटक में आज सीएम रहने वाले हैं, कई कार्यक्रम ऐसे हैं जिसमें वो पहुंचेंगे। अधिक जानकारी के लिए करते हैं संवाददाता अजीत का। अजीत, अमरकंटक के दौरे पर आज सीएम रहने वाले हैं, क्या कुछ कार्यक्रम उनका है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सुबह 11:45 पर अमरकंटक पहुंचेंगे, और उसके अलावा मुश्किल से 1.5 घंटे का उनका कार्यक्रम है। आचार्य विद्यासागर के नेतृत्व में एक पंच कल्याण प्रतिष्ठान महायज्ञ हो रहा है, जिसमें आज गौ सेवा संस्थानों को पुरस्कृत किया जाएगा, उसी का कार्यक्रम उनमें, और उसी बीच वो आचार्य जी का के दर्शन भी करेंगे और उनके आशीर्वचन भी सुनेंगे। महावीर जयंती पर क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? बिल्कुल, आज महावीर जयंती भी है, और महावीर जयंती को लेकर के यहाँ पे जैन समाज के जो तीर्थ मंदिर है वहाँ पे कल ही महावीर स्वामी जी की बड़ी मूर्ति की स्थापना हुई है, जिसे एशिया में सबसे हैवी अष्टधातु की मूर्ति का रिकॉर्ड भी उसके नाम पे दर्ज है, उसकी कल प्रतिष्ठापना हुई है। और उसके बाद आज आचार्य विद्यासागर जी के समक्ष गौ संस्थानों को एक विशेष पुरस्कार के लिए जाएगा, जिस पुरस्कार में शामिल होंगे, और मुख्यमंत्री के कर कमलों से वो पुरस्कार दिया जाएगा, और उसके बाद फिर वापस भोपाल के लिए वो रवाना हो जाएंगे। क्योंकि अमरकंटक का अपना राजनीतिक इतिहास है, और क्योंकि यह मध्य प्रदेश के धर्मस्थलों में माना जाता है, तो ऐसे में आज जब सीएम यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्या लोगों के साथ भी संवाद करेंगे? बिल्कुल, सीएम अमरकंटक में आ रहे हैं और वहाँ लोगों से मिलेंगे, खासतौर पर जैन समुदाय का पूरे मध्य प्रदेश से लोग, पूरे देश से लोग वहाँ पे उपस्थित हैं, क्योंकि ये बड़ा कार्यक्रम है। आचार्य विद्यासागर भी पिछले 10 दिनों से अमरकंटक में मौजूद है, तो उसको लेकर के लोगों का आना जाना और काफी भीड़ है वहाँ पर। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बिना किसी शासकीय सूचना के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी अमरकंटक में मौजूद है, और वो यहाँ पे अपनी साधना कर रही हैं, तो आज इस बात को लेकर के भी एक राजनीतिक चर्चा हो सकती है। लेकिन आम अमरकंटक के आम और भाजपा कार्यकर्ताओं से भी मिलने का उनका वो है, और मुख्यमंत्री हैं, जनता से मिलने का समय तो निकाल ही देते। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका अजीत, तमाम जानकारी के लिए।